दोस्तों आप सभी का हमारे आरपीपी ग्रुप टेक चैनल में स्वागत है। देखिए हमारे पास में एक सैमसंग का कीपैड मोबाइल है जो कि फुल डेड है, और डेड कहाँ से होता है मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आप जो है रेड प्रो कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। मीटर को डायरेक्ट बजर की रेंज पर लगाना है, जो हम कि हमारा बीप मोड जिसे बोलते हैं, मीटर हमारा बीप कर रहा है। एक पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया है। अब बैटरी कनेक्टर ही एक हमारा ऐसा पॉइंट है जो इन आईसीओ को ऑन करने के लिए सीधा बैटरी लगाते ही सप्लाई जाती है। अब इसमें देखिए माइनस भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है, किसी आईसी से भी फॉल्ट हो सकता है, कोई कंपोनेंट से भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे कि कहां से फॉल्ट हो सकता है हमारा। देखिए एक पिन ग्राउंड करनी है, इसमें हमें कैपेसिटर चेक करना है, कोई कैपेसिटर या कोई लाइन जो हमारी फुल शॉर्ट तो नहीं है। देखिए हमारा ये नेटवर्क सेक्शन में जो है आईसी है, हमारा नेटवर्क आईसी, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंपोनेंट है यहाँ से टूटा हुआ, लेकिन ये भी शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पे भी कुछ शॉर्टिंग है कंपोनेंट, ठीक है ना। और इसके बाद में हम यहाँ से चेक करेंगे, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट है, तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट जो हमारे शॉर्ट आ रहे हैं। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपको करना क्या है, डीसी मशीन जो है इसमें लगानी है, हमारे पास में 2 एम्पियर तक होना चाहिए, और हम डीसी मशीन लगाने के बाद में देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पर है। इस फ़ोन के अंदर हम शॉर्टिंग इसकी आपको इसमें निकालना बता रहे हैं कि शॉर्टिंग फुल डेड की किस तरीके से निकाली जाती है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में डीसी मशीन है, आपको यहाँ पर जो है 4.2 तक वोल्टेज लगाना है, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बैटरी कनेक्टर पर इसमें प्लस माइनस 1 हो रहा है, तो आप जो है इसको कहीं भी कैसे भी लगा सकते हैं। देखिए लगाने के बाद में पूरा एम्पियर ले रहा है हमारा, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कुछ कंपोनेंट जो है देखिए यहाँ पे जो हमारा कुछ कंपोनेंट जो है गर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो मैंने बताया था आपको यहाँ जो कुछ भी गर्म नहीं हो रहा, बैटरी कनेक्टर के पास गर्म हो रहा है एक कंपोनेंट। अब हमको करना क्या है, जो कंपोनेंट हमारा गर्म हो रहा था आपको वहाँ पे जो है मैक्स गोल्ड का फ्लेक्स थोड़ा सा लगाना है, मैंने लगा दिया है, और आपको जो है इसके बाद में इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने के बाद हमें देखिए वेट करना है थोड़ा सा, देखिए जो हमारा एम्पियर ले रहा है आपको वेट करना है थोड़ा सा और देखना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा धुआं निकल रहा है, देखिए यहाँ से जो हमारा हमारा ये कंपोनेंट जो है डायोड देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें देखिए यहाँ से जो है जल रहा है, देख सकते हैं आप जो हमारा कंपोनेंट है डायोड, देखिए किस तरीके से बबल कर रहा है, और ये हमारा जो है यहाँ से जल रहा है, इसको हटाते हैं। देखिए डायोड को जो मैंने तोड़ दिया है,
और आप मशीन में देख सकते हैं कि हमारा एम्पियर लेना इसने जो है बंद कर दिया है। अब इसके अंदर हमारे शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं है।